दीपदान। ये एकांकी आईसीएसई कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय से ली गई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस एकांकी का सार एवं परीक्षा संबंधी प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत एकांकी का सार लिखिए। उत्तर: महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उनकी आयु मात्र 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा। पन्नाधाय स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श भारतीय नारी है। वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती है। सोना पन्नाधाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा छोड़कर बनवीर के साथ मिल जाने की सलाह दे रही है, परंतु वह नहीं मानती है। बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। उसने सोचा प्रजाजन दीपजन उत्सव के नाच गाने में मग्न होंगे, तब कुंवर उदय सिंह को मारकर वह सत्ता हासिल कर सकता है। तभी किसी ने पन्ना को यह खबर दी और पन्ना ने कुंवर को कीरत के झूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद कुंवर के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। जब बलवीर कुंवर को मारने आया, उसने चंदन को कुंवर समझकर मार डाला। इस प्रकार पन्ना ने देश धर्म के लिए अपनी ममता की बलि चढ़ा दी। अवतरण एक: तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। वक्ता पन्नाधाय है। वह स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श भारतीय नारी है। वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती है। प्रश्न: श्रोता कौन है, उसका वक्ता से क्या संबंध है? उत्तर: श्रोता स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात से पन्नाधाय, जो कि महाराज की सेविका थी, उसने उसे माँ की तरह पाला था। प्रश्न: वक्ता के उपयुक्त कथन कहने के पीछे क्या कारण था? उत्तर: महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उनकी आयु मात्र 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा। इस वजह से कुंवर उदय सिंह की जान को खतरा बढ़ जाने से पन्नाधाय ने उपयुक्त कथन कहा। प्रश्न: वक्ता श्रोता की सुरक्षा के प्रति चिंतित क्यों रहती थी? उत्तर: वक्ता पन्नाधाय एक देशभक्त राजपूतनी थी तथा अपने राजा के उत्तराधिकारी की रक्षा करना वह परम कर्तव्य समझती थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उनकी आयु मात्र 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा, इसलिए पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। अवतरण दूसरा: पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होगी, जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नाचेगी। प्रश्न: यहाँ किसे पहाड़ कहा गया है और क्यों? उत्तर: यहाँ धाय माँ पन्ना को पहाड़ कहा गया है, क्योंकि उनमें ईमानदारी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। जैसे एक पहाड़ अपने देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही पन्नाधाय भी अपने स्वर्गीय राजा के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए पहाड़ बनकर खड़ी है। प्रश्न: उपयुक्त कथन किसने किससे कहा, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उपयुक्त कथन रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना ने धाय माँ पन्ना से कहा। इसका अर्थ यह है कि धाय माँ पन्ना बनवीर सिंह के साथ मिल जाए
तथा अपने कर्तव्य कुंवर उदय सिंह की रक्षा से मुंह मोड़ ले। प्रश्न, तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सर पर धारण करेंगे का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सोना पन्नाधाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा छोड़कर बनवीर के साथ मिल जाने की सलाह दे रही है। प्रश्न, दीपदान उत्सव का आयोजन किसने और क्यों किया? उत्तर, दीपदान उत्सव का आयोजन महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने किया, जिसे राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। उसने सोचा प्रजाजन दीपदान उत्सव के नाच गाने में मग्न होंगे, तब कुंवर उदय सिंह को मारकर वह सत्ता हासिल कर सकता है। अवतरण तीसरा, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। उपयुक्त वाक्य का प्रसंग स्पष्ट करें। उत्तर, उपयुक्त वाक्य बनवीर दाय पन्ना से कहता है जब वह कुंवर को मारने जाता है और पन्ना उन्हें रोकने का प्रयास करती है। पन्ना उससे कहती है कि मैं कुंवर को लेकर संयासिनी बन जाऊंगी, तुम ताज रख लो, कुंवर के प्राण बख्श दो। पन्ना ने कुंवर को सुरक्षित स्थान पर किस तरह पहुंचाया? उत्तर, पन्नाधाय को जैसे ही बनवीर के षड्यंत्र का पता चला, वैसे ही पन्ना ने सोए हुए कुंवर को कीरत के झूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पन्ना ने क्या बलिदान दिया? उत्तर, पन्ना ने कुंवर सिंह को कीरत के झूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद कुंवर के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। जब बलवीर कुंवर को मारने आया, उसने चंदन को कुंवर समझकर मार डाला। इस प्रकार पन्ना ने देश धर्म के लिए अपनी ममता की बलि चढ़ा दी। दीपदान एकांकी की शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, दीपदान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित आदर्शोन्मुख एकांकी है। दीपदान एकांकी का आरंभ दीपदान उत्सव से होता है और समस्त कथा इसी महत्वपूर्ण उत्सव पर आधारित है। बनवीर इसी उत्सव की चकाचौंध में नगरवासियों को डालकर राणा सांगा के छोटे पुत्र और चित्तौर के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह को समाप्त करने का षड्यंत्र रचता है। कुंवर के शयन कक्ष में पहुंचकर वह कहता है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। वहीं दूसरी तरफ पन्नाधाय माँ राणा परिवार के कुलदीपक को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपदान ही समस्त एकांकी का मेरुदंड है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।